नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे द न्यूज 9X। आज 5 अक्टूबर 2019 है। 5 अक्टूबर 2019 की बड़ी खबरें क्या है? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयानों को लेकर लगातार ही सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने जदयू पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि नशा का सत्ता हो, आंखों पर पर्दा पड़ा हो और लोगों को दर्द सुनाई न दे तो सत्ता हमेशा सजग चौकीदार से ही सवाल पूछती है। जिस पर जदयू के राजीव रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार नगर निगम बीजेपी के पास है, साथ ही 2 सांसद भी बीजेपी के ही हैं, उनकी उम्र हो चली है, उन्हें बयानबाजी की जगह जनता की सेवा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के जल जमाव और बाढ़ के हालातों को लेकर कहा कि इसके लिए उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा, जहां कमियां हैं उसे ठीक किया जाएगा। बिहार पुलिस में सिपाही की बम्पर वैकेंसी आई है। इसके तहत 11,880 सिपाही पद के लिए वैकेंसी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से 4 नवंबर 2019 तक आवेदन लिया जाएगा। यह जानकारी csbc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 2020 के लिए हज करने वालों से आवेदन लिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर तक लिए जाएंगे। RBI ने लोन पर ब्याज दर घटा दिया है। इससे अब होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन लेना सस्ता होगा। EMI भी कम होगा। बिहार के राजधानी पटना में एक तरफ जल जमाव का संकट है तो दूसरी ओर डेंगू का भी डंक तेज हो गया है। अब तक 104 डेंगू के मरीज मिले हैं। जल जमाव के कारण डायरिया का भी प्रकोप शुरू हो गया है। बिहार में करीब 1 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली के लिए अब 9 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले आवेदन की तिथि 17 अक्टूबर तक थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कुल 75 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के केनरा बैंक के ATM से एक रिटायर्ड फौजी का रुपए कार्ड बदमाशों ने छीन लिया और दूसरे ATM से करीब 12,500 निकासी कर लिया। मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड में डायरिया का कहर शुरू हो गया है। अब तक 4 दर्जन लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक कर्मी आशीष कुमार को गोली मार दी। घटना मिठनपुरा गाँव की है। नवादा जिले के महकार गांव में गड्ढे में घुसने पर जहरीली गैस से 2 भाइयों की मौत हो गई। घटना महकार गांव की है। दोनों चापाकल के पास गड्ढा खोद रहे थे। दोनों को बचाने गड्ढे में तीसरा आदमी गया तो वह भी बेहोश हो गया। सृजन घोटाले के सिलसिले में BPSC के पूर्व सचिव के घर पर CBI ने इश्तेहार चिपका दिया है। किशनगंज में बालू का अवैध खनन रोकने गए खनन पदाधिकारी पर बालू माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। खनन पदाधिकारी संजय प्रसाद ने इस मामले में पोठिया थाना में मामला दर्ज कराया है। गोपालगंज जिले के चनावे गांव के समीप चाकू का भय दिखाकर अपराधियों ने लूटपाट की। अपराधी पुलिस की वर्दी में थे। गया जिले में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने गया रेलवे जंक्शन पर संपूर्ण भारत में तेजस ट्रेन के निजीकरण पर विरोध जताया और प्रदर्शन भी किया। बांका जिले के शंभुगंज में एक विक्षिप्त युवक की पिटाई बच्चा चोर समझकर लोगों ने कर दी। पीड़ित अररिया जिले के कुर्साकाटा का रहने वाला बताया जा रहा है। कटिहार जिले के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के बिझारा गाँव के समीप महानंदा नदी में डूबकर 2 बहनों की मौत हो गई। दोनों चचेरी बहनें थी। कटिहार जिले के मूसापुर के पास NH-31 पर अपराधियों ने मोरसंडा गांव के अमित कुमार पर गोली चलाकर उससे मोबाइल और टैबलेट छीन लिया। अमित बुरी तरह जख्मी हो गया, उसका इलाज चल रहा है। जमुई के एक चौकीदार चंद मौलेश्वर पासवान की शादीशुदा लड़की की हत्या कर लाश ईख के खेत में फेंक दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मधेपुरा जिले के सिमराही बाजार से बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोतिहारी जिले के रक्सौल में मछली बाजार में एक व्यक्ति के घर छापामारी कर करीब 5 लाख मूल्य की नशीली दवा जब्त कर ली गई। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। जमीन खरीद बिक्री के मामले में संशोधित नियम लागू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में जमीन व फ्लैट बिक्री के लिए जमाबंदी व होल्डिंग होना जरूरी है। ये थी बिहार की 21 बड़ी खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X सब्सक्राइब करें।